इसीलिए महात्मा कहते हैं ईश्वर जो कुछ करता है बस अच्छा ही करता है, मानव ही परिवर्तन से डरता है। भगवान के कर्तृत्व को हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम स्वार्थी मतलबी हैं और हमें अपनी तरह का जीवन चाहिए, इसलिए परमात्मा का सिद्धांत हमें उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। और केवल ऐसा नहीं है बंधुओं कि कोई एक आदमी दो आदमी हो ऐसे जो भगवान में, भगवान के कृति में, भगवान के कार्यों में कमी निकालते हो। करोड़ों लोग हैं संसार में ऐसे जो भगवान के कार्यों में, भगवान की कृति में गलती निकालते रहते हैं। एक महात्मा कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि दो मित्र, उनके पास में कुछ काम नहीं था तो वो हमेशा लोगों की जीवन में कमी ढूंढते रहते थे। कमी, चाचा के बारे में कमी, चाची के बारे में कमी, पड़ोसी के बारे में कमी, उनको किसी की अच्छाई नहीं दिखती थी और दिखती भी होंगी तो वो देखना नहीं चाहते, वो कमी ही ढूंढना चाहते थे। और वो दोनों उसी काम पर रहते गांव में। अब गांव में उन्होंने सबकी कमी ढूंढ ली, अब गांव के लोग खत्म हो गए, गांव में जितने थे पूरे हो गए, अब किसकी कमी ढूंढे, दूसरे गांव में गए वहां भी हो गया। अब वो ऐसे पूरे संसार में घूम रहे हैं कमियां ढूंढते ढूंढते, पूरा संसार उन्होंने ढूंढ लिया, सबकी कमी कुछ न कुछ निकाली। आखिर में फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई अब संसार तो पूरा हो गया, अब किसकी कमी निकालें अपन। तो उन दोनों ने आपस में सोचा कि अब भगवान की कमी ढूंढो। तो भगवान की कमी ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो ऐसे जा रहे थे ब्रजवन से गुजरते हुए समुद्र के तट पर, उन्होंने देखा कि एक घर के छत के ऊपर लौकी लटक रही है, लौकी लंबी वाली लौकी, और एक काशी फल बड़ा सा देखा उन्होंने। तो दोनों ने कहा देखो भगवान कितना मूर्ख है, देखो इतनी सी लकड़ी उंगली भर बेल है और इतना बड़ा फल, ये बेल कैसे झेलेगी इसको। भगवान ही दुनिया भर की गलती है तो इंसान में क्यों नहीं होंगी। आगे बढ़े तो उन्होंने एक और चीज अद्भुत देखी। नीचे जमीन पर दुनिया भर के तरबूजे लग रहे, उन्होंने वहां भी कहा देखो दूसरी गलती देखो, 10-10 किलो के फल है और बेल ऐसी छुटकी सी। भगवान को दुनिया बनाना नहीं आया। आगे गए तो दिन भर कार्यक्रम करते रहे खराब, तो थक गए। शाम को एक बगीचा सा आया, वहां पे उनको आराम करने लगे। अचार जो डालते हैं ना, वो आम जो होता है वो बड़ा पेड़ बड़ा होता है, अचार देसी आम भारत में तो वो बहुत बड़ा आम पेड़ होता है, पुराना भी होता है। तो आम का बगीचा था, बड़े बड़े झाड़ थे और आम का अचार वाला आम था, छोटे छोटे पेड़ पे फल। तो उन्होंने आराम करते करते ऊपर को थोपड़ा कर रखा था, तो उन्होंने देखा है कि नहीं भगवान बिल्कुल उल्लू हद कर दी वहां। तो इतना बड़ा झाड़ है, इतनी बड़ी बड़ी डाल है और ये संतरी नींबू से फल लगा के रखे। थोड़ी नींद आई उनको और हवा चली तो एक आम बूढ़ा हो गया होगा 2-3 महीने का, हवा से टूट के नाक पे गिरा उनके। और नाक पे तो आपको पता ही है छोटी सी चोट ज्यादा लगती है, तो ऊपर से 100 मीटर से गिरा, नाक एकदम गर्मा गर्म होके तनतना गया, लड़का खड़ा हो गया। साइड में दूसरा जो सो रहा था उसको उठाया,
उसने कहा तू जल्दी माफी मांग भगवान से, क्यों क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा कि परमात्मा ने दुनिया को जिस तरह बनाया है उसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, हम ही गधा हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आज वो तरबूज या काशी फल हमारी बुद्धि के अनुसार इस पेड़ पे होता तो हॉस्पिटल में भी जाके नाक वापिस आने वाली। इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, मानव ही परिवर्तन से डरता है।